हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल कभी कभार ब्लॉग। सो गाइस, आई होप कि आप लोग सब मस्त होंगे। बाकी आप ऐसे ही प्यार हमारे साथ बनाए रखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी आप हमारी वीडियो में बने रहें। सो गाइस, ऋषिकेश पहुंचने के बाद का नज़ारा है ये। बाकी हम जा रहे हैं देहरादून। तो गाइज, मैं पहुंच चुका हूं बंजारा वाला और ये है हमारा न्यू रूम। बाकी एक साल में 3 रूम चेंज हो चुके हैं, तो आज है शिफ्टिंग डे। बाकी सारा सामान चला गया, ये रहा फ्रिज। काम स्टार्ट ही हो रखा है, चल ही रहा है मतलब। बाकी रूम तो शानदार है। ये है सारा सामान। बाकी अभी कुछ कार में, पर कुछ दोबारा लेने जाना है। इस कार में अब निकालते हैं थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है। गाइस, ये है इंदिरा मार्केट और आज हम लुट के आए हैं बहुत ही भयंकर ढंग से। बाकी दिखाऊंगा क्या लाए क्या नहीं, क्योंकि हम डिकैथ लॉन भी गए थे। सो गाइस, ये है वो कचरा जिसे हम विशाल मार्ट से लेके आए हैं। बाकी एक चीज और लाए हैं, वो दिखाएंगे आपको अभी। सो गाइस, आज हम पी रहे हैं सबसे महंगी पेप्सी, जो कि स्पेशल ऑफर था। स्पेशल प्राइस है 119 रुपये। और ये है टकीला शॉट। सो गाइस, मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और हम आए हैं मान्या डेंटल, जो कि हम हर मंथ आते हैं। बाकी हमारी गाड़ी की दुर्दशा हो चुकी है और आज जाना है हमने गज्जा। पहुंच चुका हूँ नरेंद्र नगर वाले शॉर्टकट पे और आज जा रहे हैं हम, क्या है ये, मनीषा, माँ मनीषा देवी मंदिर। क्योंकि पिछले 2-2.5 महीनों से, लगभग 2-2.5 महीने भी क्या बोलूँ, साल से ऊपर हो गया है, सोच सोच के कि जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा, फाइनली आज जा रहा हूँ। सो गाइस, फाइनली पहुँच चुके हैं हम और थोड़ा सही है। सो गाइस, वैसे फोटोग्राफी वर्जित है तो मैं हल्का फुल्का ही दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छी लोकेशन है। पंडित जी, सर्वप्रथम आपको मेरा नमस्कार। मुझे सिर्फ इस मंदिर के मान्यताओं के बारे में जानना है। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनी सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृतियाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजना प्रवहसि लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन है, 500 वर्ष से भी अधिक इस मंदिर को हो चुके हैं। यहाँ जो भी श्रद्धालु मनोकामना लेके आता है, माँ मनीषा देवी, मनीषा नाम से जो है उसकी मनोकामना पूरी होती है। मन की जो इच्छा करे वो मनीषा देवी के नाम से। यहाँ श्रद्धालु अब बहुत दूर दूर से आने लगे हैं। यहाँ ऊपर एक भैरव गुफा भी है, जिसके दर्शन करने से जो है आदमी पुण्य को प्राप्त करता है। और यहाँ नवरात्रों में विशेष करके जो है बहुत भीड़ लगती है, बहुत 4-5 हज़ार आदमी तक जो है दर्शन करने आते रहते हैं। ये मंदिर जो है कहीं इतिहास में भी है और हमने इसको YouTube में भी लाइव किया है पहले भी। एक यहाँ पे धागा भी बांधते हैं, इसमें जो मनोकामना के लिए एक धागा, ये बरगद का पेड़ है जिसमें एक धागा भी बांधा जाता है, जिसमें जो मनोकामना पूरी होती है वो फिर धागा बांध खोलने के लिए यहाँ आते रहते हैं।
कई लोगों की जो है मनोकामना पूरी हुई है, ऐसा हमारा विश्वास भी है और ऐसा प्रत्यक्ष भी देखा गया है। धन्यवाद। सो गाइस, फाइनली ये है वो बरगद का पेड़ और जिस पे लोग अपनी मन इच्छा पूरी के लिए मतलब इसमें धागा बांधते हैं। सो गाइस, ये है वो भैरव गुफा जो भी पंडित जी ने बोला था। बाकी इस व्यू के साथ करते हैं इस ब्लॉग का एंड और मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।